अस्सलाम वालेकुम। जो दावणगेरे में तंजीमुल मुस्लिमीन के हाल ही में जो इंतखाबात हुए हैं उसमें 113 अफराद शिरकत फरमाए थे, जिसमें तयशुदा था कि 21 लोग जीत कर आएँ। और जो 21 लोग में जो जनाब दादू सेठ साहब की ग्रुप मदीना ग्रुप है वो, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो आरिफुल्ला साहब हैं, तमाम आवाम की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। ऐसे ही जो अदर कैंडिडेट्स जो जीत नहीं पाए उनको भी मुबारकबाद देते हैं। और इसी सिलसिले में हमने है ना जो कैंडिडेट जो थेर कर जो नहीं जीत पाए उनका भी दिल रखने के लिए मुबारकबाद देने का हमने आज फैसला किया था। और इसी के साथ साथ ये तंजीमुल मुस्लिमीन के आम इंतखाबात में जो भरपूर तरीके से 20 सीट लेकर जनाब दादू सेठ की मदीना ग्रुप जीत कर जो आई है, उनको ये कर्नाटक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और यानी अवामुन्नास की तरफ से रिक्वेस्ट है कि जो घरेलू मसले आते हैं, मियां बीवी के मसले हो या दूसरे घरेलू मसले हो या गाँव के मसले हो, उसे हल करने के लिए एक उलमा इकराम और एडवोकेट की एक टीम बनाएँ। एक दारुल शरीयत बोल कर एक यह ऑफिस करके उसमें है ना ये इस तरह के तमाम घरेलू मसाइल का हल करने का और गाँव के मसाइल हल करने के लिए उलमा इकराम और एडवोकेट्स की एक टीम बनाए। और इसके साथ साथ साल में एक दो बार गरीब अफराद की शादी का इंतज़ाम करें और वेल्थ एजुकेशन और दीगर जो भी वादे जनाब दादू सेठ साहब ने दिए हैं उनको पूरा करने के लिए तमाम कोशिश करें, तो इतना इनके साथ अवामुन्नास भी खड़ी होगी और कर्नाटक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी है इनको हर तरह से साथ देगी। साथ में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हाकी आरिफ भाया है वो भी इंडिपेंडेंट आवाम के सपोर्ट से जीत का है, उनको भी अपने साथ टीम में लेकर उनको भी कोई जिम्मेदारी देकर उनको भी इतना आवाम की खिदमत करने का मौका दें। शुक्रिया।